हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है। रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपको ब्राइडल किट के बारे में बता रही हूँ। न सिर्फ ब्राइडल किट बल्कि हम सभी की मेकअप किट में जो जो बहुत ज़रूरी असेंशियल आइटम्स हैं जो होनी चाहिए, आज मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम अपना जिस तरीके से हम मेकअप करते हैं, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम कैसे अपनी स्किन को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम मेकअप करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे किट में क्लिंजिंग मिल्क ज़रूर होना चाहिए। मेकअप करने से पहले हम अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा ये क्लिंजिंग मिल्क हमारा मेकअप रिमूव करने में भी काम आएगा। उसके बाद क्लिंजिंग मिल्क के बाद हम टोनर लगाते हैं। टोनर हमारा होना चाहिए, मेरे पास जो है ये फेसिस कंपनी का टोनर है। पहले जो क्लिंजिंग मिल्क मैंने आपको दिखाया था वो जोविस कंपनी का था। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम सारे प्रोडक्ट्स को लेंगे। अगर मेरी अभी नॉर्मल स्किन है, मैं नॉर्मल स्किन के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। ये फेसिस कंपनी का ही मैं मॉइस्चराइज़र है जो यूज़ करती हूँ। टोनर के बाद हम मॉइस्चराइज़र करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी किट में जो सबसे ज़रूरी है प्राइमर, ये प्राइमर बहुत ज़रूरी है, हमारी मेकअप किट में होना चाहिए। ये प्राइमर से हमारी स्किन जो है प्रोटेक्ट होती है। जो भी हम मेकअप लगा रहे हैं, ब्राइडल्स को तो वैसे भी रोज़ अक्सर मेकअप करना पड़ता है। कहीं जा रहे हैं हम, डिनर्स पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेकअप हमारे फेस पे होता है। उस टाइम पे सिर्फ प्राइमर ही है जो हमारी स्किन को मेकअप से बचाएगा। उसके अलावा अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप स्टार्ट में सबसे पहले फाउंडेशन हम लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। फाउंडेशन जब हम लगा रहे हैं तो मैं आपको दो तरह का फाउंडेशन बता रही हूँ। एक जो मैं आपको फाउंडेशन बता रही हूँ ये कलर बार का फाउंडेशन है। इसमें फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, इसमें तीनों चीज़ें हैं। हमें कहीं बाहर जाना है, जल्दी जल्दी मेकअप करना है, तो उस टाइम पर इसके साथ ही इन्होंने एप्लीकेटर भी दिया हुआ है। तो हम सिर्फ इसी को ही अप्लाई करना है। प्राइमर के बाद सीधा हमने इसी को ही अपने फेस पे अप्लाई करना है और इजीली हमारा मेकअप हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं शादी वगैरह में, कहीं पार्टीज में जा रहे हैं जहाँ हमें हैवी कवरेज चाहिए, उस टाइम पे ये मेबेलिन का बीबी कुशन फाउंडेशन है जो हमें हैवी कवरेज के लिए बहुत अच्छा इसका कवरेज आता है। इसमें भी इन्होंने एप्लीकेटर साथ में दिया हुआ है इस तरीके से। और इसके साथ ही इन्होंने ये सबसे अच्छी बात है, इसमें मिरर भी है। ज़्यादातर आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं कोशिश करें कि उसमें अगर मिरर भी साथ में है तो अच्छा है, कि बाहर भी हमें कहीं टचअप करना है तो इजीली हमारा वो हो जाएगा। मेबेलिन के फाउंडेशंस बहुत ही अच्छे हैं। दूसरे लिक्विड फॉर्म में भी जो फाउंडेशंस होते हैं उसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं, उसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अपनी मेकअप किट में। फाउंडेशन के बाद जो मेन हमारे स्किन को ज़रूरत होगी वो कंसीलर की ज़रूरत होगी। कंसीलर एक बहुत अच्छा काम करेगा हमारे मेकअप में, जितने भी हमारे फ्लॉज हैं स्किन के उन सबको छुपाने में। अंडर आइज़ पर है हमारे, कहीं ब्लैक स्पॉट्स है, नोज पर कहीं है, कहीं हमारा पिंपल्स का कुछ निशान वगैरह कहीं पर है, तो उन सब चीज़ों को कंसीलर जो है हाइड करेगा। ये जो मैं आपको कंसीलर बता रही हूँ ये मेबेलिन का कंसीलर है, इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर है ये। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कॉम्पैक्ट, ये जो मैं मेबेलिन का कॉम्पैक्ट बता रही हूँ आपको, इसमें ये कॉम्पैक्ट के साथ में हमें इन्होंने स्पॉन्ज भी दिया हुआ है, साथ में ही हमें मिरर भी दिया हुआ है, तो अच्छा कॉम्पैक्ट है। हम इसको ब्रश से भी सेट कर सकते हैं और हम इसको इस स्पॉन्ज की हेल्प से भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कभी हमें अगर जल्दी जल्दी में मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा हमें हैवी मेकअप नहीं करना, तो ये खाली कॉम्पैक्ट ही अगर हम अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा हमारा मेकअप बेस की तरह काम करेगा। उसके बाद हमें ब्लशर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लशर में भी ये कलर बार का ब्लशर है और ये रोजी कलर है, रेड मतलब पिंक से कलर में आता है, तो ये भी बहुत सुंदर है। हर शेड के साथ हमारा ये अच्छा लगेगा। उसके बाद ये कलर बार का कंटूर एंड हाइलाइटर किट है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें हाइलाइटिंग, वैसे तो ब्राइडल के फेस पे नेचुरली बहुत अच्छा ग्लो होता है, पर एक हाइलाइटर जो है वो एक नेचुरल रेडियंस भी देता है हमारी स्किन। उसके बाद हमारा आई मेकअप में जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारा आई शेडो, आई शेडो में ये मेबेलिन का द न्यूड पैलेट है। ये वाला पैलेट बहुत ही अच्छा है। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई शेडोज़ की जो क्वालिटी है, इसमें बहुत सारे न्यूड शेड्स हैं और ये पैलेट बहुत सारी चीज़ों में हमारा काम करेगा। आईब्रोज को फिल करने में हमारा ये बहुत अच्छा, इसमें ब्लैक कलर भी है, डार्क ब्राउन कलर भी है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। एक ही लाइट कलर है, इसको हम एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आईब्रोज को डिफाइन करने में बहुत अच्छा काम करें, और इसमें ट्रांजिशन कलर्स हैं जो हमारी आई शेडो की ब्रांडिंग में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। उसके अलावा हमारी मेकअप किट में एक आई शेडो पैलेट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, क्योंकि ब्राइडल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं ड्रेसेस के, तो उनके अकॉर्डिंग भी एक आई शेडो हमारे पास ऐसा होना चाहिए। जैसे इसमें है मैरून कलर है, रेड कलर है,
ग्रीन कलर है, ब्लू कलर्स हैं, ब्लू के भी दो शेड्स हैं, पर्पल की दो शेड्स हैं इसमें, हाईलाइटर की तरह है, गोल्डन है, ब्राउन्स के दो तीन शेड्स हैं, बहुत ऐसे डिफरेंट शेड्स का हमारे पास एक हाईलाइटर होना चाहिए जो हमारे मेकअप में हेल्प करेगा, उसको बहुत ग्लॉसी भी करेगा, हल्का सा शिमरी भी होना चाहिए। जो पहले मैंने मेबेलिन का दिखाया वो न्यूड पैलेट है, एक न्यूड पैलेट भी चाहिए हमें, एक थोड़ा सा शिमर वाला भी चाहिए हमें पैलेट, तो वो इस तरीके का होना चाहिए। ये इन कलर इटली का है 18 कलर आई शेडो पैलेट। उसके बाद ये फेसिस कंपनी का काजल बता रही हूँ मैं आपको, ये काजल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इस एक ही काजल से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, इस काजल को हम आईज़ के अंदर भी फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात है इन्होंने एक पीछे एक स्मजर भी दिया हुआ है जिससे हम अपनी आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं, हमें आईज़ के काजल को थोड़ा सा हल्का सा स्मज देना है या स्मोकी लुक देना है तो वो भी इसके स्मजर से हो जाएगा। उसके बाद ये कलर बार का अल्टीमेट आई लाइनर है, ये बहुत ईजी टू अप्लाई है और ब्लैक कलर में है। इसके अलावा ब्लैक कलर के साथ साथ में हमारे पास डिफरेंट शेड्स के आई लाइनर भी होने चाहिए, उसमें आजकल ब्लू है, ग्रीन है, ये काफ़ी कलर है, ये वाले कलर्स काफ़ी इन है, इस तरीके का है ये। ये मेबेलिन का है हाइपर ग्लॉसी आई लाइनर, ग्रीन कलर में आएगा ये, और ये एक मिस क्लियर का है ब्लू कलर का। उसके बाद हमारी मेकअप किट में सिंदूर ज़रूर होना चाहिए, ये फेसिस कंपनी का सिंदूर है, ये रेड कलर के सिंदूर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लिक्विड है ये, इस तरीके से वेरी इजी टू अप्लाई। एक हमारी किट में ये लिप ग्लॉस ज़रूर होना चाहिए, ये मेरे पास में मेबेलिन का विविड पीच लिप ग्लॉस है, बहुत प्यारा शेड है इसका, पिंक बहुत अच्छा आता है ये हमारे लिप्स को ड्राई होने से भी बचाए। नेक्स्ट लिप लाइनर के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ये भी मेबेलिन का कलर सेंसेशनल 540 नंबर है, इस तरीके का शेड है ये अगर हमारे पे ब्राउन लिपस्टिक है, डार्क लिपस्टिक्स है, तो हर लिपस्टिक के साथ में ये हमारा एक ही लिप लाइनर है जो वो चलेगा सबके साथ। और मैं जो आपको लिपस्टिक के शेड्स बता रही हूँ, ये तीन शेड्स बता रही हूँ, ये हमारी किट में बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और ज़रूरी भी है। सबसे पहले तो रेड कलर है, रेड कलर की लिपस्टिक बहुत ही प्यारी लगती है और ये तो हमारी किट में होनी चाहिए। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नोट कंपनी की है, इसका शेड इस तरीके का आएगा, ब्लड रेड कलर में है ये। दूसरा जो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ मर्जेंटा कलर का है, ये कलर बार कंपनी की है, इस तरीके का आएगा इसका, क्योंकि हमारी ड्रेसेस मोस्टली इसी शेड की होती हैं। फिरोजी कलर के साथ ये मर्जेंटा कलर की लिपस्टिक बहुत सुंदर लगती है फिरोजी कलर की ड्रेसेस के साथ। एक ही हमारे पास ब्राउन शेड ज़रूर होना चाहिए, ये लोटस कंपनी का है, इसका जो नंबर है वो रेजिन बीम 114 नंबर है। और ये जो कलर बार का मैंने आपको दिखाया ये टूटी फ्रूटी है 33M नंबर, और ये नोट कंपनी का 306 किस ब्लॉसम। और ये वाले नेल पेंट्स बहुत ही प्यारे शेड्स हैं जो हमारी किट में बहुत ही सुंदर लगेंगे, रेड कलर तो मस्ट है, ये हमारे पास होना ही चाहिए। एक हमारे पास नेल पेंट ग्लिटर में भी होना चाहिए, ये पर्पल शेड में है, ऑरेंज शेड में है, ये लाइट पर्पल है या पिंक कलर भी हम ले सकते हैं, और ये टॉप कोट क्लियर है, ये कभी भी हम कोई नेल पेंट लगाते हैं चेंज करते हैं उससे पहले अगर हम ये टॉप कोट क्लियर लगा लेंगे तो हमारे नेल्स प्रोटेक्ट रहेंगे, नेल पेंट्स का जो कलर है वो हमारे नेल्स पर नहीं आएगा और हमारे नेल्स जो पीले पड़ जाते हैं वो भी नहीं होगा इससे। और जो हमारी मेकअप किट में है बिंदीज बहुत सुंदर सुंदर बिंदी होनी चाहिए, उसमें राउंड बिंदी का एक पत्ता होना चाहिए, एक इस तरीके की लंबी लंबी जो बिंदी होती है छोटी या बड़ी साइज़ की वो होनी चाहिए, और एक ये शिल्पा का इस तरीके का होता है, जैसे हम घर पर या कहीं बाहर नहीं जाना है हमें बिंदी लगाना भी ज़रूरी होता है, तो ये शिल्पा का इसका ग्लू बहुत अच्छा है, इस तरीके की हम राउंड बिंदी हम ले सकते हैं। इसमें रेड कलर भी आता है, ये मैरून कलर भी है, मल्टी कलर भी आती है, हम वो भी ले सकते हैं। हमें हमेशा फ्रेंड्स बिंदियों का जो ग्लू है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर उसका ग्लू हल्का होगा तो फिर हमारे वो माथे पे निशान छोड़ देता है जो अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी किट में होनी चाहिए, छोटी तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी हैं ये जैसे मैं अपनी साड़ी ड्रेपिंग करना है या चुन्नी या दुपट्टा सेटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए सेफ्टी पिंस हमारे पास होनी चाहिए इस तरीके की, और बड़ी भी और छोटी भी। उसके अलावा हेयर पिंस हमारे किट में होना चाहिए और कुछ ही जूड़ा पिंस भी होनी चाहिए इस तरीके की। और फ्रेंड्स जो बहुत ज़रूरी है वो ये कॉटन पैड्स बहुत ज़रूरी है हमारी किट में, ये ज़रूर होने चाहिए। और ये एक नेल पेंट रिमूवर है, ये भी हमें अपनी किट में रखना है। तो फ्रेंड्स मेकअप करने के बाद में उसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी बहुत अच्छे मेकअप रिमूवर से। उसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मेबेलिन का टोटल क्लीन एक्सप्रेस आई एंड लिप मेकअप रिमूवर, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्किन को भी हाइड्रेट रखता है ये मेकअप हटाने के बाद भी, तो आपको ये वाला मेकअप रिमूवर भी अपनी किट में रखना है। उसके अलावा मैं मेकअप ब्रशेस की बात करूँ तो मेरे पास ये 24 पीसीज का मेकअप ब्रश सेट है जिसमें हमारे सारे ब्रशेस हैं, पर ब्राइडल किट में अगर 10 से 12 मेकअप ब्रशेस भी हैं तो वो भी सही हैं, तो इतने मेकअप ब्रशेस भी आपके पास में होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम का बटन आप जरूर हिट करिएगा, मेरे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम जल्दी ही मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।